तालिबान जिसने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और अब अफगानिस्तानी लोग इस तालिबान से डरते हुए अपने ही देश को छोड़ने पर लगे हुए हैं। जाहिर सी बात है कि तालिबान कभी भी डेमोक्रेसी का समर्थक नहीं रहा है। बंदूक के सहारे सत्ता हासिल करना ये कभी भी ये नहीं जताता कि वो कभी शांति लाएगा, हमेशा ये अशांति ही लेके आएंगे अपने देश में और बाकी के पड़ोसी मुल्कों के अंदर। और इसी तालिबान ने अपने ही देश में महिलाओं के लिए कानून ऑलरेडी लागू कर दिए हैं जिसमें कि वो ये शाम के 6 बजे के बाद कोई भी महिला अकेली नहीं निकलेगी और 6 बजे से पहले अगर वो निकलती है घर से बाहर तो कोई मर्द उसके साथ होना अनिवार्य है। अब किसी ने भी इनकी ड्रेस कोड का पालन नहीं किया जिसमें ड्रेस कोड क्या है, पूरा शरीर ढका हुआ होना चाहिए, सिर्फ आंखें ही जो है वो थोड़ी बहुत देख सकती हैं बाहर, मतलब उनका जो भी रूल होता है। अब अगर ऐसा नहीं किया, उन्होंने कुछ भी इस ड्रेस कोड में फेरबदल किया, हाल फिलहाल में जब एक महिला ने ऐसा किया तो उसको सरेआम उसके सर में गोली मार दी गई। और जो ये तालिबानी है वो कभी भी किसी दूसरे धर्म को स्वीकार नहीं करते हैं, तो इस तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अब तालिबान के समर्थन में कुछ देश निकल के आए हैं जिसमें हमारा ही एक पड़ोसी देश, हमारा बेटा पाकिस्तान, जो एक गरीब हो चुका है, बिल्कुल मतलब भिकमंगा हो चुका है, अब उसने इस तालिबान को सपोर्ट किया है। ऑब्वियसली यार, पाकिस्तान जैसे गरीब देश जो अपने ही देश के गधे भैंस और वहां की गाड़ियां बेचकर और अपने ही प्रधानमंत्री का आवास स्थान किराए पे देकर अपने देश की इकोनॉमी को जैसे तैसे चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए तो यार ये क्या ही कह सकते हैं, उनका सपोर्ट करो या ना करो, खैर उनकी इच्छा। और केवल भारत में नहीं, भारत के अंदर भी कुछ लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं और उन्हीं में से एक यूट्यूब चैनल है द लाइव टीवी जो जर्नलिज्म का ढोंग करते हुए तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं और अपने ही प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं देश में नफरत फैलाने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है वो बोलने के लिए तालिबान का सहारा ले रहे हैं। इस चैनल के ऊपर जितनी भी वीडियो है वो सारा का सारा जो उनका मेन मोटिव है वो एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाने का है, जैसे तैसे जो है बीजेपी की जो है वो लोगों के नजरों में खराब कर दी जाए। खैर इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है और वो जा भी रहे हैं। पर इनके इस चैनल में से बहुत सारी वीडियोस हैं, खैर उनके बारे में तो मैं बात नहीं करूंगा, एक पर्टिकुलर वीडियो है उसके बारे में बेशक बात करूंगा, उसी के पर बिहाफ पे मैंने ये वीडियो बनाने की सोची। एक नॉनसेंस लड़की आती है और प्रधानमंत्री के बारे में बोलना स्टार्ट कर देती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो नॉनसेंस लड़की है वो बचपन में अपने सर के बल गिर गई होगी जिससे इसके दिमाग में काफी ज्यादा चोट आई होगी और अब इसको सोचने समझने की इसकी शक्ति खत्म हो गई है। अब बेचारी करे भी क्या, घर खर्च चलाना है तो जैसे तैसे कोई ना कोई नफरत का काम कर ही लेते हैं, तो ये नफरत फैलाना शुरू करते हैं। और हैरानी की बात तो मुझे ये होती है कि इतना घटिया काम करने के बाद भी इनके हलक से एक निवाला नीचे उतर जाता है। इस दुनिया में कितने सारे ऐसे लोग हैं जो कुत्तों की तरह भौंकने के लिए तैयार रहते हैं भारत देश के ऊपर, और उन्हीं कुत्तों की प्रजाति में से एक प्रजाति हमारे देश में पाई जाती है जिसके फिलहाल मैं बारे में बात भी कर रहा हूं। तो ये मोहतरमा एक वीडियो हमें शो करवाती है जिसमें ये कहती है कि देखो तालिबान ने भारत को धमकी दे दी है, भारत के प्रधानमंत्री को धमकी दे दी और अब भारत के प्रधानमंत्री बिल में घुस गए हैं, उनसे कुछ भी बोला नहीं जा रहा है। उनके ऊपर तो कुछ बोलने से हमारे प्रधानमंत्री भी घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, बाहर नहीं आ रहे हैं। नॉनसेंस लड़की, क्या तुम प्रियदर्शनी की बहन हो या फिर उस कैटेगरी में आती हो, बिना सोचे समझे कोई बात कैसे तुम बोल सकती हो। ना जाने कितने लोग ऐसे कुत्तों की तरह भौंक रहे होंगे भारत देश के ऊपर, तो क्या हर एक के लिए प्रधानमंत्री सामने आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें कि भैया उनको बताएं कि हम क्या कर सकते हैं। भाई जियो पॉलिटिकल भी नाम की कोई चीज होती है, समझ लिया करो भारत देश क्या कर रहा है। वीडियो बनाने से पहले थोड़ी बहुत रिसर्च कर लिया करो, ये तुम जर्नलिज्म का खेल कह रहे हो, पहले इसको अच्छे से समझ तो लो। किसी भौंकते हुए इंसान की वीडियो अपने चैनल पर दिखाकर फिर उसके ऊपर अपनी खुद का भौंकना स्टार्ट कर देना, ये कोई जर्नलिज्म नहीं होता। और जैसे इस मोहतरमा ने अपनी वीडियो की स्टार्ट की है उससे तो यही पता चलता है कि ये जो मोहतरमा है वो बहुत ज्यादा तिलमिलाई हुई है, इनको कुछ चीजें चाहिए थी जो इनको नहीं मिल पाई है, तो इससे काफी ज्यादा भुखला गई है। और मुझे तो हैरानी ये बात की कि इनका सपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी भारत में मंद बुद्धियों की संख्या कम नहीं है, पता नहीं यार किन किन लोगों के 5-5 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाते हैं यार। एक तरफ ये नॉनसेंस लड़की बोलती है कि मुझे मेरी भारत की सेना के ऊपर बहुत ज्यादा यकीन है। देखिए हमारी सेना की काबिलियत पर हमें जरा सा भी शक नहीं है, कहीं से कहीं तक शक नहीं है, क्योंकि जब देश के जवानों ने बड़ों का धुचक छुड़ा दिया तो तालिबान ही उनके लिए कुछ भी नहीं है, इस बात पर हमें पूरा विश्वास है। लेकिन दूसरी पल बोलती है कि भाई जब प्रधानमंत्री जैसे उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की थी छुप छुपा के, इस तालिबान के ऊपर अगर वो सर्जिकल स्ट्राइक करने की सोच रहे हैं तो ऐसा करने से पहले संभल जाना और सोच लेना। ये जवाब है कि अगर भारत को धमकी मिलने के बावजूद मोदी जी छिपते छुपाते फिर रहे हैं, बयान देने के लिए सामने नहीं आ रहे, और ये सोच रहे हैं कि जैसे उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई थी उसी तरह से सबसे छुप छुपा कर तालिबान पर हमला करेंगे, तो जरा भारत के लोगों का ख्याल करके और अपनी सेना का ख्याल करके ऐसी सोच अपने दिमाग में लाएं।
अरे मोदी जी थोड़ा ना वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक करने जाएंगे, वो तो सेना ही जाएगी ना। ऑलरेडी जब तुम्हें यकीन है अपनी सेना के ऊपर तो काहे की ये चीजें बक रहे हो यार। ये चैनल कहीं से भी रिसर्च नहीं करता, बस अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकने के लिए गलत न्यूज फैला रहा है। इनको नहीं पता है कि जो अफगानिस्तान के अंदर भारत कैसे काम कर रहा है। तालिबान से ही लड़ने वाला एक अफगानिस्तान में एक ग्रुप है एंटी तालिबान, जिसका नाम है नॉर्दर्न अलायंस, उस ग्रुप को भारत सपोर्ट करता है। और अब इन बेवकूफों को नहीं पता होगा उस चीज के बारे में भी। तो लाइव टीवी जो यूट्यूब चैनल है वो दूर दराज के ऐसे लोगों की वीडियोस इकट्ठा करेगा जो कहीं पर बैठकर भारत के ऊपर भौंक रहे होंगे, और ये अपने उस पर राजनीति करने के लिए अपने ही चैनल के ऊपर भौंकना फिर से शुरू कर देते हैं। अगर आप इस नॉनसेंस लड़की की वीडियो को ध्यान से सुने तो आपको कहीं से भी लॉजिकल फैक्ट नहीं मिलने वाला है। इसी लड़की की वीडियो में ये एक ट्वीट शेयर करती है जिसमें ये कहती है कि इस ट्वीट के अंदर कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको मैं बोल नहीं सकती, और अगर मैं बोल क्योंकि वो मेरी एथिक्स में नहीं आते, सॉरी मेरे एथिक्स में नहीं आते, लेकिन यही लड़की वो शब्द बकायदा वहां पे दिखा सकती है वीडियो के अंदर, और साथ ही साथ वो कह सकती है कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो बिल में छुप गए हैं, वो डरपोक हैं, मुंह छुपाते हुए घूम रहे हैं, शायद ये सारी चीजें इसके एथिक्स में आती हैं। इस वक्त अगर तालिबान पर किसी को बोलने की जरूरत है तो वो है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो मुंह पर टेप लगाए बैठे हैं, मुंह में ऐसा लग रहा है लड्डू खाए बैठे हैं, जो उनके मुंह से कुछ भी नहीं निकल रहा है। इस चैनल का पूरा मकसद एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाना है, जहां पर ये फुल और नफरत फैलाने का काम करते हैं, चाहे वो धर्म के आधार पर फैलाएं, चाहे वो जाति के आधार पर फैलाएं, इनको उससे कोई लेना देना नहीं, बस इनको नफरत फैलानी है। जैसे कि एक थंबनेल में ये कहते हैं कि देखो तालिबान ने आते ही मोदी जी को झटका दे दिया, इतने रुपए का नुकसान कर दिया। देखो यार, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जेब से रुपए नहीं लगाए थे, वो भारत के रुपए लगे हुए थे, एक तरीके से इन्वेस्टमेंट की गई थी अफगानिस्तान के अंदर, और वो भी क्यों की गई थी उसके पीछे भी रीजन है। अगर इन बेवकूफों को वो रिसर्च के मतलब क्यों इन्वेस्टमेंट की गई है बेवकूफ पहले उसके बारे में रिसर्च कर लेते, शायद ये चीज वो दिखाने से पहले सोचते। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इन जैसे चैनल्स की बातों में आने से पहले खुद रिसर्च कर लें उस बात के ऊपर, क्योंकि ये जो चैनल है वो एक पॉलिटिकल एजेंडा जरूर चला रहे हैं, और इनका जो मकसद है उसके लिए ये झूठ फैलाएंगे और ये फैला भी रहे। तो कृपया कर आप इनकी बातों में आकर ये चीजों को शेयर आगे मत करिए। अगर आपको कोई चीज में डाउट लगता है तो उसको पहले जाकर अपने आप उसको रिसर्च करिए, जानिए उसका बैकग्राउंड क्या है, और फिर जाकर अपनी राय रखिए। देखिए यार, राय तभी रखनी चाहिए इंसान को जब उसको पूरी नॉलेज हो, बिना नॉलेज के राय रखना चाहे वो पक्ष या विपक्ष दोनों ही तरीके से वो बेवकूफ होते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।